जिस तरह से कमल का फूल अलग अलग पंखड़ियों से बनता है, इस तरह से हम 30 कागज़ के चौकोन से एक खूबसूरत गेंद बना सकते हैं। एक चौकोन लें 10 समझिले का और इसे तिरछा तय करें, फिर इसे खोलकर आधा तय करें, फिर दूसरी तरफ से भी आधा तय करें, ये चारों तहें एक ही सिमत में हों। फिर इस मुरब्बे के चारों कोनों को बिल्कुल दरमियान में तय करें, जैसे लिफाफा बन रहा हो। और फिर दो मुखालिफ के मुसलसों को खोलें ताकि ये मुसद्दस बन जाए। फिर नीचे के कोने में लंबा सा मुसलस तय करें, फिर इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत एक और मुसलस तय करें। अब इस शक्ल को आप आधे में इस तरह तय करें जैसा कि आप देख रहे हैं। दो छोटे मुसलस होंगे, कुछ को अंदर दबाना होगा और इसको जब अंदर तय करेंगे तो ये बिल्कुल एक दिल के शेप में बन जाएगा, और इस तरह करें तो एक तारा बन जाएगा। इस तरह के आपको 30 अलग अलग इकाई बनाने हैं। दो यूनिट लें, एक की चोंच को दूसरे के जेब में दाखिल करें। अगर कागज़ निकले तो थोड़ा सा गोंद लगाकर फंसा दें। इस तरह से 5 यूनिट का एक घेरा बनाएं, एक रिंग बन जाएगा। इसके बाद ये 5 जिलई रिंग के चारों तरफ 5 तिकोण बनाएं। ये देखिए, पहला तिकोण बन रहा है, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इस तरह से ये पूरा घेरा मुकम्मल हो गया। इस तरह से ये एक मॉडल बन गया। फिर बाकी भी यूनिट लें और इसे मुकम्मल करते जाएं, और ये एक गोल गेंद की तरह बनेंगे, और इसे गोंद से चस्पा कर दें। अब एक खूबसूरत रंगीन कागज़ की गेंद बन जाएगी। इसे आप किसी धागे से लटका दें तो ये गेंद हवा में गोल गोल घूमेगी।